All houses of MPVM Ganga Gurukulam, attention! Kani kani mani ati naayak jayane Bharat bhagya vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravid Utkal Ganga Vindh Himachal Yamuna Ganga Uchal Jalaj Taranga शुभ नामी जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा धन धन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता Bearers, get ready for the general salute. Salute! अभिनंदन एवं बधाई देती हूँ। आज का दिन
हम सभी भारतवासियों के लिए आनंद उत्साह एवं अभिमान का दिन है। आज ही के दिन हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ, जिसके लिए कई लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने इस आज़ादी को सुरक्षित रखें। मैं आज सभी बच्चों को ये बताना चाहूँगी कि आप इस देश की धरोहर हैं, इसलिए आप सभी का दायित्व बढ़ जाता है। मैं आप सभी को सही कर्म करने के लिए और सही मार्ग पर चलने के लिए कहूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज पूरा विश्व एक महामारी से ग्रस्त है। इसका प्रभाव हम सब पर पड़ा है। इस विषम परिस्थिति में हम सबको अपना दायित्व पूरा करना चाहिए। इस महामारी के कारण ही हम सब प्रकृति के मूल्य को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उसकी ओर आकर्षित हुए हैं। पेड़ पौधे पक्षी सभी मानव स्वस्थ हो उठे, मनुष्य को प्योर ऑक्सीजन के महत्व का एहसास हो। हम सब ने स्वस्थ भोजन एवं योग का सहारा लिया। शायद ईश्वर ने ही हमें इसकी ओर आकर्षित किया और खुशहाल जीवन का अवसर दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे संसाधन लिमिटेड हैं और हमें इन संसाधनों का प्रयोग बड़े ही सावधानी से करना चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ ये भी है कि हम अपने देश के जागरूक नागरिक बने और इन संसाधनों से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। गंगा गुरुकुलम के प्रत्येक शिक्षक ने अपने हर छात्र छात्रा को सदैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रदूषण रहित एनवायरनमेंट के प्रति सजग बनाया है। इसी कड़ी में प्रत्येक गुरुकुलाइट ने अलग अलग तरीके से स्वराज सप्ताह में ऑनलाइन प्रतिभाग किया। इस वर्ष हम लोगों ने जल संरक्षण पर स्वराज सप्ताह हर्ष और उल्लास से मनाया। मैं सभी अभिभावकों को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इन ऑनलाइन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। हमें पूरा विश्वास है कि इन एक्टिविटीज से हमारे बच्चे जल संरक्षण पर और अवेयर होंगे, वे अपना दायित्व समझने लगे हैं। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें और हमारे देश को समृद्ध खुशहाल एवं स्वस्थ बनाएं। हमें अत्यंत खुशी है कि इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने हमारे बीच हमारे सचिव कृष्णा मैडम हैं और ट्रेजरर रविंद्र सर हैं। मैं आप दोनों का भी स्वागत करती हूँ एवं अभिनंदन करती हूँ। सर मैडम, हम सब कुछ अच्छा करने की सोच पाते हैं एवं चेष्टा कर पाते हैं, क्योंकि आप दोनों हर समय हमें सही मार्ग दिखाते हैं। आप हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। सर मैडम, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जल बहुत महत्वपूर्ण है। बिना भोजन किए मनुष्य कई दिनों तक जीवित रह सकता है, किंतु बिना जल पिए वह 3 दिनों में ही मर जाएगा। आइए देखते हैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों की एक प्रस्तुति जो जल के महत्व को बता रही है। कहानी कहानी बचा ले निशानी हमारी।
आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आजादी, आजादी का असली अर्थ वही समझ सकता है जिसने कभी पराधीनता का अनुभव किया हो, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ सन 1857 में ही जल चुकी थी, जिसने मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराया। आजादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और थे, और आजादी के बाद देशभक्ति के मायने कुछ और हैं। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान में सिर्फ खड़े हो जाना ही देशभक्ति है। राष्ट्रवाद के भाव से उठकर जो बात हमारे मन में आती है वो है देशभक्ति। देश के प्रति हमारी कर्तव्य परायणता का भाव है देशभक्ति। आज हम आजाद हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वह हमें भारत माता के उन सपूतों की याद दिलाता है जिन्होंने अपना सर्वस्व अपने देश के नाम कर दिया। आज हमारा भारत देश विश्व में अतुल्य है। हमारे देश में सामाजिक कुप्रथाओं का अंत हुआ है, गरीबों का आर्थिक शोषण प्रायः समाप्त हुआ है, तथा गांवों की दयनीय स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। जब 1960 में भारत ने अपनी स्पेस एजेंसी इसरो का उद्घाटन किया, तो पूरा विश्व हमें देखकर हंसा करता था कि भारत जैसे गरीब देश को भला अंतरिक्ष कार्यक्रमों की क्या आवश्यकता हो सकती है। इस संबंध में हमने जब विश्व के अन्य देशों से सहायता मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। आज इसरो ने भारत को अंतरिक्ष कार्यक्रम की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। अंतरिक्ष कार्यक्रम ही नहीं, हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों में समूचे विश्व में अपना एक स्थान सुनिश्चित किया है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारत के नाम अनेक मेडल दर्ज हुए। नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और पीवी सिंधु जैसे युवाओं से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करती रहनी चाहिए। अभी हम जो कि विद्यार्थी हैं, अपनी निर्मित की प्रक्रिया में संलग्न हैं, निश्चित ही हमें अनजानी दिशाओं के अपरिचित आकर्षण लुभाते हैं, लेकिन ठीक यही हमें थोड़ा रुक कर आत्मनिरीक्षण करना होगा, अपने गौरवशाली अतीत को अपनी स्मृति में रखना होगा और जिससे कि हम अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए अपना विकास कर सकें और आगे चलकर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अपना प्रगतिशील योगदान दे सकें। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के केंद्रीय भाव को संजोए हुए चलती है, और यह तभी संभव है जब हम सभी लोग सभी प्रकार से समान हों। बृहदारण्य उपनिषद का एक श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात हम सभी सुखी हों, सभी रोगमुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। अर्थात हम सभी सुखी हों, सभी रोगमुक्त रहें और हम में से किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। ये भाव हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। गांधी जी अपने जंतर में लिखते हैं, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे, तो जो सबसे गरीब और सबसे कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसका चेहरा याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का विचार तुम कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। मुझे हमेशा लगता है कि गांधी जी की इस बात को यदि हम सदैव अपने कर्तव्यों के आधार स्वरूप में लें, तो सच्चे अर्थों में हम राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा कर सकेंगे जो हमारे पूर्वजों की मान्यताओं द्वारा समर्थित तो होगा ही, साथ ही सच्चे अर्थों में वो समानता की ओर बढ़ाया गया एक ऐसा कदम भी होगा जिससे हम संपूर्ण राष्ट्र को एक ही सतह पर ला सकेंगे। इसके लिए हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि छोटी छोटी सार्थक कोशिशें करने की आवश्यकता है। आयरिश कवि ऑस्कर वाइल्ड लिखते हैं, जीना दुनिया की दुर्लभतर चीज़ों में से एक है। जीना दुनिया की दुर्लभतर चीज़ों में से एक है। ज़्यादातर लोग जीते नहीं सिर्फ होते हैं। अपने द्वारा की गई बहुत सारी छोटी छोटी कोशिशों से हम लोगों को सिर्फ होने से जीने की ओर ले जा सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा, अब
हर तूफान को मोड़ दे तू, हर तूफान को मोड़ दे तू, जो हिंदुस्तान से टकराए, चाहे तेरा सीना हो छंदी, तिरंगा ऊंचा ही लहराए, तिरंगा ऊंचा ही लहराए। वाह क्या बात है सनी, यह तिरंगा तो हमारे देश की शान है और इस शान को बरकरार रखना हम भारतीयों का परम कर्तव्य है। इसी देश प्रेम की भावना से ओत नृत्य प्रस्तुत करने जा रही है कक्षा 9वीं। हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना से है प्यार तो। हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। करती हूँ कि इतना सुंदर उन्होंने आज के दिन ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मुझे पता है कि आप नहीं आ रहे स्कूल, ऑनलाइन सीख रहे हैं और घरों से बैठ के सीख रहे हैं, आपके टीचर्स आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं,
तो सोचिए टीचर्स ने और आपने मिलकर किस तरह से ये जो हमारी चुनौतियां हैं उसको आपने अवसरों में बदल दिया। एक कितना सुंदर हमने ये साबित कर दिया कि हमारा जीवन रुकेगा नहीं, हमारी पढ़ाई रुकेगी नहीं, कभी बाधित नहीं होगी और हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, अध्ययन करेंगे और आगे बढ़ेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। तो आज ये स्वतंत्रता दिवस के ये जो अमृत महोत्सव कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग अब 75th ईयर में, इंडिपेंडेंस के 75th ईयर में प्रवेश कर रहे हैं आज के दिन, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हम सबके लिए और हम उमंग और उत्साह से पूरा देश ये दिवस को आज मना रहा है। सबसे पहले तो हम अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने बलिदान दिया, अपने जीवन का संघर्ष किया और हमें आज़ादी दिलाई, सबसे पहले हम उनको नमन करते हैं। हम अपने हृदय की कृतज्ञता को उनके चरणों में अर्पित करते हैं, उनकी स्मृति में अर्पित करते हैं। क्योंकि अब एक और बात है कि उनका जो संकल्प था, गांधी जी का, पटेल का, नेहरू जी का, राधा कृष्ण जी का, हमारे कितने, और अरविंद जी जिनका जन्मदिन आप भी आज हम मना रहे हैं, महर्षि अरविंद, उनके स्वप्नों को हमें, हम संकल्प लें कि वो स्वप्न हमारे संकल्प हैं, हम उन सपनों को साकार अवश्य करेंगे। हमारा तिरंगा जो है हमारे गौरव का प्रतीक है, हमारे देश, हमारी जो उदार संस्कृति है, हमारी जो उदार भावनाएं हैं, समानता, न्याय, बंधुत्व, इन सारे जो हमारे भावनाएं हैं, विचार हैं, उसका प्रतीक है, हमारे गौरव का प्रतीक है। आज हम अपने तिरंगा को भी नमन करते हैं और हम चाहेंगे कि वो तिरंगा की जो स्पिरिट है वो हमारे अंदर हमेशा जीवंत हो जाए। हम तिरंगा की तरह ही लहराते रहेंगे जीवन में और परिश्रम करेंगे और एकजुट होकर हम आगे बढ़ेंगे। आप बच्चों ने, हमने देखा स्वराज सप्ताह का कितना सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने प्रस्तुत किया और हम हर वर्ष 9 तारीख से 15 तारीख तक के बीच ये स्वराज सप्ताह मनाते हैं और हम चाहते हैं कि जो स्वराज की परिकल्पना है और जो अवधारणा है वो हमारे मन में उतरे, हमारे हृदय में उतरे, हमारे जीवन में उतरे, हमारे व्यवहार में आए। स्वराज मतलब अपने ऊपर शासन, अपना अपने इच्छाओं पर नियंत्रण और अपने अपने को आगे बढ़ाना, अपने को नियंत्रित करना, अपने को मर्यादित करना, अपनी असीमित इच्छाओं को नियंत्रित करना। स्वराज मतलब स्व विकास होता है, स्वराज मतलब स्व अध्ययन होता है और हमने इस पैंडेमिक के दौरान सीख लिया कि ये स्वराज, ये स्व अध्ययन, ये स्व विकास हम सबके लिए कितना जरूरी है। आपके टीचर्स हेल्प कर सकते हैं विद्यार्थियों, आपके टीचर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, लेकिन मेहनत तो आपको स्वयं करना होगा, आपको अपने आप करना होगा। जब आप एकजुट होकर कॉन्सेंट्रेट करोगे, मेहनत करोगे, तो आप अवश्य प्रगति करोगे, आप अवश्य आगे बढ़ोगे। और इस वर्ष स्वराज सप्ताह की जो केंद्रीय धारणा थी, विषय था, वो था जल और आप लोगों ने दिखाया कि जल ही जीवन है, जल का संरक्षण कितना जरूरी है। और जितनी भी हमारी प्रकृति ने हमें हवा दिया, पानी दिया, कभी चार्ज तो नहीं किया प्रकृति ने हमारे साथ, हमारे इन चीज़ों के लिए, ये कितने महत्वपूर्ण हैं हमने देखा। लेकिन ये जो कुछ व्यापारी मानसिकता है जो पानी को बोतलों में बंद कर दिए हैं और इसका व्यापार शुरू हो गया, ये तो बहुत गलत है। क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको हम बंधक नहीं बना सकते,
हम ये रिजॉल्व करें कि हम इनको बंधक नहीं बनाएंगे। ये सबके लिए होगा, लेकिन हमें प्रयास करना होगा कि ये स्वतंत्र भी रहे और स्वच्छ भी रहे, क्योंकि इसके लिए तो हमें काम करना ही पड़ेगा कि हवा को स्वच्छ रखना है, पानी को स्वच्छ रखना है, हमारे संसाधनों का उचित प्रयोग। आपके प्रिंसिपल मैडम ने बताया कि ये उचित प्रयोग कितना इम्पोर्टेंट है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चिरंजीवी विकास, सतत विकास। हमें मिलजुल कर ये सतत विकास की ओर आगे कदम बढ़ाना है, सभी संसाधनों का उचित प्रयोग, इसको बचा कर संजो कर इसका उचित प्रयोग करना है, ताकि भावी पीढ़ी का जीवन संकट में ना पड़े। ये बहुत जरूरी है और बच्चों में ये जागरूकता आ रही है और आपकी जागरूकता ये हमारा बल होगा, हमारे देश का संबल होगा और यही देश को आगे बढ़ाएगा, यही देश की समृद्धि के लिए जरूरी होगा, क्योंकि स्वराज वही ला सकता है। चरित्रवान नागरिक स्वराज और स्वतंत्रता का अर्थ समझते हैं और वो उसको आगे बढ़ाते हैं। उसमें स्वतंत्रता जो है वो केवल एक सुखद अनुभव नहीं है, उसको तो हम कर ही रहे हैं, वो स्पिरिट आज हम सबके मन में है और हम हमारे उसको हमारे उत्साह में आगे दिख रहा है, लेकिन स्वतंत्रता एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये जो इसको सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता तक कायम नहीं रखें, इसको हम एक सामाजिक स्वतंत्रता, एक आर्थिक स्वतंत्रता में बदले, स्वतंत्रता का हम विस्तार करें, स्वतंत्रता सबको मिले, हमें स्वतंत्रता को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सारे स्तरों पे लाना है। हमें बच्चों को भी फ्रीडम देना है, बच्चे सोच सकते हैं, उनके अंदर भगवान ने प्रतिभा दी है, वो बहुत उनके अंदर असीम क्षमता है। हम टीचर्स का काम है उनको एक सुंदर सुखद एनवायरमेंट देना, ताकि उनकी प्रतिभा आगे निकल आए। हम बच्चों को फ्रीडम देंगे, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, फ्रीडम ऑफ वर्किंग, फ्रीडम टू इनोवेट, फ्रीडम टू एक्सेल, फ्रीडम टू डिस्कवर एंड फ्रीडम टू एक्सप्लोर, एंड यू विल क्रिएट अ न्यू इंडिया, क्योंकि यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आज के दिन आइए हम संकल्प लें, आज तो संकल्प लेने का भी दिन है और नए संकल्प हमें लेने हैं कि हम भारत को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, और इसके लिए हमें ईमानदारी और सच्चाई अपने जीवन में लाना होगा। ये जो मूल्य हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें सिखाया, त्याग क्या होता है, देश के लिए मर मिटना क्या होता है, इनको हम अपने जीवन में उतारें, और जब हम इन मूल्यों को जिएंगे तो सरलता आएगी हमारे जीवन में, सादगी आएगी और हमारे चरित्र का समृद्धि ही हमारे देश को ऊंचा उठाएगा। आज मैं अपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भाषण सुन रही थी, 90 मिनट तक उन्होंने बोला। मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी, वो भाषण आप जरूर सुने, क्योंकि उसमें इतना जोश, इतनी ऊर्जा थी और वो ऊर्जा उन्होंने हम भारतवासियों को ट्रांसफर किया। उनको उन्होंने एक और शब्द जोड़ा, हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और फिर कहा सबका प्रयास। तो ये परस्पर सहयोग के द्वारा हम आगे बढ़ सकेंगे। आज हम इसको संकल्प करेंगे और आज के दिन हम अपने ओलंपिक प्लेयर्स को याद करते हैं, कितना शानदार उनका प्रदर्शन था। पहली बार भारत ने इतने मेडल्स जीते और पहली बार एथलेटिक्स में गोल्ड जीता, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हमारी बेटियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया, हमारी बेटियों का हॉकी प्रदर्शन देखिए, कितना लाजवाब टक्कर उन्होंने ब्रिटेन को दिया है और चौथे स्थान पे रही है। हमारी बेटियों की क्रिकेट टीम भी कितना कमाल का शानदार प्रदर्शन करती है, बेटियों ने दिखा दिया वो किसी से कम नहीं है और वो हर क्षेत्र में काम
करेंगी, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी, और जब हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं एक साथ आप आगे आकर काम करेंगी, तो कोई नहीं रोक सकता हमारे बढ़ते कदम को, कोई हमारी प्रगति को रोक नहीं सकता, कोई हमारे विकास को नहीं रोक सकता। ये शताब्दी, अगली शताब्दी भारत की होगी। जय हिंद। शादी पर्व में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम 75वां वर्ष बना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं स्वतंत्रता के। 1857 में जब गदर हुआ तो देश में जगह जगह क्रांतिकारी पैदा हो गए और उन्होंने देशव्यापी राष्ट्रीय चेतना से देश को भर दिया। इस लड़ाई में प्रत्येक जिले में क्रांतिकारियों ने देश के लिए कुर्बानी दी। प्रत्येक जिले में नेताओं के ओजस्वी स्वर और लोक कथाओं और देशभक्ति के गीतों ने हमारे देश में राज प्रेम की भावना भरी। बाल गंगाधर ने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई और जिससे अंग्रेज ये डरते थे, कई उनकी फौज भी आज़ाद हिंद में ज्वाइन करके हमारे विरुद्ध ना करने चाहिए। महात्मा गांधी ने अहिंसा का सिद्धांत दिया, उनके सिद्धांत के आगे ब्रिटिश साम्राज्य को झुकना पड़ा और वे 15 अगस्त को देश छोड़ के चले गए। राष्ट्रकवि मैथिली चरणगुप्त की ये पंक्तियाँ देश प्रेम से भरी हैं, जो कि सभी देश प्रेम भर दिया। नहीं चाहते हम धन वैभव, नहीं चाहते अधिकार, बस स्वतंत्र रहने दो हमको, स्वतंत्र रहे संसार। जो भरा नहीं भावों से, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसके बाद वंदे मातरम गीत जो राष्ट्रीय क्रांतिकारियों का गीत था, उस गीत को केवल वो गीत है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। आज आज़ादी के बाद हमें इस गीत को केवल गाते ही ना रहे, बल्कि हम इसको पर्यावरण से जोड़ें। आज देश में पर्यावरण की बहुत कमी हो गई है। जब तक धरती सुजला है, सुमंगल है, तभी तक सुफला है और तभी तक ये मलय वायु बहेगी। आज ये वायु मलय नहीं रही, इसमें कोविड का वायरस भी आ गया है। इस सब के लिए हम सब स्वयं दोषी हैं। आज हम ऐसे वृक्ष लगाएं जो कि ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। घरों में जिनके जगह नहीं है वे पौधे लगाएं। मुझे पता चला है कि मीठा नीम भी बहुत ऑक्सीजन देता है। आप लोग मीठा नीम का पौधा भी घरों में लगा सकते हैं, अपने घरों में रख सकते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और आपके ये ऑक्सीजन भी देगा। ये स्नेक प्लांट भी आप घर में रखें, जो कि बहुत पॉल्यूशन को सोखता है और ऑक्सीजन जनरेट करता है। महर्षि पतंजलि ने हजारों वर्ष पहले कहा था कि आहार विहार से हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। आज वही जरूरत है। आज हमें वही भोजन की थाली चाहिए जिसमें सलाद भी हो, सब्जी भी हो, मसाले भी हो, घी भी हो, रोटी और दाल भी हो, लेकिन इसको छोड़ के लोग आज कुछ और खाने लगे हैं, जिसकी वजह से आज वो आहार हमें नहीं मिल रहा है जिसकी हमें आवश्यकता है। विटामिन सी और विटामिन डी की तो बहुत ज़्यादा जरूरत है। विटामिन सी खट्टे फलों में, आंवला नींबू में बहुत है, जिसका हमें सेवन करना चाहिए। और विटामिन डी धूप में बहुत अधिक मात्रा में है, कम से कम आधा घंटा हमें धूप में जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि जब कोविड की महामारी आई थी तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी की गोलियां और विटामिन डी की गोलियां खिलाई जा रही थी। इसका कोई इलाज नहीं है अभी तक, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखना ही इसका इलाज है। वैक्सीन की शताब्दी की सबसे बड़ी देन है। हम सबको 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाना चाहिए और प्रेरित करना चाहिए उसे जो भी मिले वो वैक्सीन लगाकर ही आए, चाहे आपके घर के डॉक्टर चाकर हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे कॉलोनी के लोग हों। कोविड-19 की लंबी बीमारी ने हम सबको बहुत पीछे छोड़ दिया है।
जिसको बैकलॉग को पूरा करने के लिए हमें प्रयास करना है और दुगनी गति से आगे बढ़ना है। हमारे देश में ओलंपिक के खिलाड़ियों ने जो कारनामा दिखाया है उससे पूरे संसार में भारत का सिर ऊंचा हुआ है। उन्होंने जो परिश्रम करा है और उनका जो वीडियो आपने और जो उनके टीवी में क्लिपिंग्स देखी है तो क्या क्या नहीं किया, वेट लिफ्टिंग है, साइकिलिंग है, दौड़ना है, कुछ और है। तो नीरज चोपड़ा ने कितना मैंने उसका देखा टीवी पे, कितना मेहनत की, लगता है सारे देवता और भगवान उनके इस परिश्रम के आगे झुक गए और उनके शरीर में प्रवेश कर गए, जो कि हमेशा होता है कि आपके परिश्रम में भी भगवान और देवता प्रवेश कर जाते हैं, तभी आप उन्नति करते हैं। धन्यवाद। आपने सुना साक्षी ने कहा कि हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम स्वतंत्र देश में जन्म लिए हैं, तो हमने वो स्वतंत्रता संग्राम का जो संघर्ष है वो नहीं अनुभव किया, लेकिन आपने लॉकडाउन के दौरान ये अनुभव किया कि जब स्वतंत्रता आपकी आपका जो फ्रीडम प्रतिबंधित होता है, ड्यूरिंग द लॉकडाउन यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट व्हेन यू हैड नो फ्रीडम टू मूव आउट ऑफ योर होम आउट ऑफ योर होम्स, और जब आप अपने घरों में बंद हो गए, जब स्कूल में छुट्टी होती थी बड़ा मजा आता था, आप देखिए हम स्कूल आने के लिए तरस रहे, वी आर वॉन्टिंग टू कम टू स्कूल, वी आर नॉट एबल टू कम टू आवर स्कूल, सो इमेजिन फ्रीडम इज सो इम्पॉर्टेंट, फ्रीडम कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन का ऑक्सीजन है, अगर ये फ्रीडम हमारे पास नहीं रहा तो हम मृत प्राय हो जाएंगे, इसलिए दिस फ्रीडम इज वेरी इम्पॉर्टेंट, वी मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस फ्रीडम। थैंक यू। हाँ, स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, आपका दिन मंगलमय। अब आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्र के हेतु खड़े हो जाएंगे।